हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स हाउ आर यू ऑल यू ऑल आर वेल और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी हम लोग क्वारिलेटर में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं हमने कुछ क्वेश्चंस किया है क्वाड्रिलेटरल्स पर कुछ क्वेश्चंस आज और करेंगे हम लोग सो लेट स्टार्ट नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरलेलोग्राम आर इक्वल and bisect each other at right angle both the diagonals are equal and they are also bisecting each other at right angle then we have to prove that this parallelogram is a square okay टर्स से ए बी सी डी इज अ पैरलेलोग्राम ए सी एंड बी डी आर इक्वल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दे आर बाइसेक्टिंग एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ ठीक तो क्या क्या हमें दिया हुआ है हमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी वो द डायगोनल्स आर इक्वल दिस एंगल इज 90 डिग्री ये एंगल नाइंटी डिग्री का है

और सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ठीक तो इस पैरले को स्क्वायर करने के लिए हमें सबसे पहले इसके सारे साइड्स को इक्वल और उसके बाद एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना होगा सो लेट्स स्टार्ट नेंस ए सी इज इक्वल टू बी डी ये क्वेश्चन में गिवन है तो अगर मैं दोनों को टू से डिवाइड कर दू दोनों तरफ तो ए सी बाई टू इज इक्वल टू बी डी बाई टू होगा ठीक ना ए सी बाई टू अगर ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ इसका मतलब ओ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एज वेल एज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी विच मीन इज इक्वल टू एसी बाई टू ठीक अगर ओ ए सी का मिड पॉइंट है तो ये जो एओ है एसी का आधा है एंड बी ओ इज इक्वल टू बी डी बाई टू ठीक तो अब ए सी बाई टू और बी डी बाई टू इक्वल है तो वी कैन राइट ए सी बाई टू इज इक्वल टू बी डी बाई टू देर फोर इसका मतलब क्या हुआ एओ और बीओ आपस में इक्वल हैं एओ इज इक्वल टू बी ओ ना अब हम ट्राइंगल ए बी में आ जाए इन ट्रैंगल एक्वल टू बी ओ एक्वल है इसका मतलब ट्राइंगल एओ बी इज एन is आइसोसेल ट्राइंगल ठीक और अगर दो साइड इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होगा देर फोर एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइडो एंगल का प्रॉपर्टी ठीक अब साथ में क्वेश्चन में यह भी गिवेन है कि बोधर डल्स आर बाइसेंग इच अदर एट राइट एंगल्स मतलब ये जो एंगल है दिस इज नाइन्टी डिग्री ठीक तो अब इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एंगल AOB प्लस एंगल OAB प्लस एंगल OBA दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ AOB इज 90 डिग्री AOB का वैल्यू 90 डिग्री है प्लस एंगल OAB एंड प्लस इस OBA की जगह पर एंगल ओ ए बी लिख सकते नाइन्टी डिग्री को उधर ले जाकर सब करें और इधर क्या हो गया ओ ए बी प्लस ओ ए बीज टू एंगल ओ ए बी टू एंगल ओ ए बी दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस -90 डिग्री विल गिव 90 डिग्री तो एंगल OAB का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री 90 डिग्री डिवाइडेड बाय टू तो दिस एंगल इज 45 डिग्री दिस इज आल्सो 45 डिग्री बिकॉज़ अगर OAB 45 डिग्री है तो OBA भी 45 डिग्री का होगा देयरफॉर एंगल OBA इज इक्वल टू 45 डिग्री ठीक अब सेम चीज जो हमने यहां पे किया ठीक कि 45 डिग्री 45 डिग्री यही चीज हम ट्रायंगल बीओसी में भी कर सकते हैं सिमिलरली अगर यही काम हम ट्रायंगल बीओसी में करें ठीक बीओसी ट्रायंगल में भी बीओ और ओ सी इक्वल होगा सेम तरीके से जाना है तो उसको लिख देते हैं सिमिलरली एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा और यह एंगल भी 45 डिग्री का होगा ठीक तो एंगल ए बी ओ फोर्टी फाइव डिग्री का है एंड एंगल सी भी फोर्टी फाइव डिग्री का है तो एंगल ए बी सी फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी फाइव डिग्री का हो जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ प्लस एंगल सी बी ओ तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ए बी ओ वैल्यू ऑफ ए बी ओ इज फोर्टी फाइव डिग्री एंड वैल्यू ऑफ सी बी ओ इज ऑल्सो फोर्टी फाइव डिग्री ABO भी फोर्टी फाइव डिग्री का है और सी बी ओ भी फोर्टी फाइव डिग्री का है तो फोर्टी फाइव डिग्री प्लस फोर्टी फाइव डिग्री तो एंगल ए बी सी कितना आ गया नाइनटी डिग्री ठीक अब अगर पैरलेलोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे तो हमें पैरलेलोग्राम की बने तो अगर ये 90 है तो पैरलेलोग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि एंगल्स आर इक्वल तो अगर एंगल बी 90 है तो इसके ऑपोजिट एंगल डी जो है इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू नाइनटी डिग्री ठीक सेकेंड पैरलेलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम वन डिग्री होता है किसी भी दो एडजेंट एंगल को हम ले ले तो उसका सम 180 डिग्री होता है तो दिस इज एंगल बी इज 90, तो एंगल ए भी 90 होगा क्योंकि तो इन दोनों का सम 180 डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री ठीक तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा तो हमें इतना नहीं करना है हमने एक एंगल को पैरलेलोग्राम के एक एंगल को हमने 90 डिग्री कर दिया तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए और के अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हैं देन इट इज अ तो रेक्ट एंगल ठीक है क्योंकि अभी हमने सारे साइड्स को इक्वल प्रूफ नहीं किया अभी हमने सिर्फ एंगल्स को नाइन्टी डिग्री दिखाया ठीक पैरलेलोग्राम का अगर एक भी एंगल नाइनटी डिग्री का हो गया देन इट बिकम्स अ रेक्टेंगल वो रेक्टेंगल बन जाता है ठीक तो सिंस वन एंगल ऑफ अ पैरलेलोग्राम इज अ राइट एंगल देयरपुर इट इट इज अ रेक्टेंगल तो अभी हमने पैरलेलोग्राम को रेक्टेंगल दिखाया ठीक अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो पैरलोग्राम क्या बन गया रेक्टेंगल अब हम एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा देंगे तो रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर बन जाएगा रेक्टेंगल में क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखा दे तो रेक्टेंगल को हम स्क्वायर कह सकते हैं ठीक उसको करते हैं ट्रैंगल ए बी सी में आ जाए इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी सी में एंगल सी ए बी फोर्टी फाइव डिग्री का है एंड एंगल फोर्टी फाइव डिग्री का है एंगल बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री विच मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी दोनों फोर्टी फाइव डिग्री के हैं तो इसका मतलब ट्रगल ए बी सी एक एंगल इक्वल है किसी भी ट्रैंगल तो में अगर दो एंगल इक्वल होता है तो उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो एंगल सी ए बी एंगल सी ए बी का ऑपोजिट साइड सी बी होगा फिगर को चाहे तो अलग से बना लें एंगल सी ए बी ये रहा ठीक तो इसका अपोजिट साइड सी बी और एंगल बी सी ए ये तो ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड बी सी और ए बी इक्वल होगा ठीक साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल तो बी सी और ए बी बी सी एंड ए बी ये तो रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड्स हैं तो अगर रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड को इक्वल हमने कर दिया तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो सिंस एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल या ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी आर इक्वल डेर फोर ए बी सी डी इज अ स्क्र ठीक तो पैरलेलोग्राम के अगर पैरलेलोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हो ठीक साथ ही साथ एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें तो वो पैरलेलोग्राम एक स्क्वायर होता है इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखेंगे ओके Nice को देखें ए बी सी डी एक रोमबस है जिसमें एंगल ए बी सी दिस एंगल इज़ 56 डिग्री एंगल ए बी सी इज 56 डिग्री एंड वी एंगल का वैल्यू फाइंड करना है एंगल ए सी डी का वैल्यू क्या है मेजर क्या है हमें ये फाइंड करना है ठीक है नाउ रॉम्बस का प्रॉपर्टी रॉम्बस का प्रॉपर्टी ये होता है कि ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये 56 डिग्री है अब रोमबस में ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड इक्वल है ठीक तो ट्राइंगल ए बी सी में आ जाए हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी साइड्स ऑफ फ्रॉम बस इक्वल है तो अगर ट्रैंगल में दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो ए बी का अपोजिट एंगल एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी ठीक यह दोनों एंगल्स इक्वल हैं अब इस ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज वन हंड्रेड एट्टी डिग्री नाउ एंगल ए बी सी इज गिवेन 56 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी एंड एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंगल ए सी बी हम लिख सकते हैं बी ए सी की जगह पर दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री ठीक तो टू एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और फिफ्टी सिक्स डिग्री को उधर ले जाए तो माइनस फिफ्टी सिक्स डिग्री तो टू एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू 124 डिग्री ठीक तो देर फोर एंगल ए सी बी कितना हुआ 124 डिग्री डिवाइडेड बाय टू विच इज 62 डिग्री तो एंगल ए सी बी का वैल्यू आया 62 डिग्री का दिस एंगल इज 62 डिग्री अब रॉम्बस का प्रॉपर्टी ये भी होता है कि सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री रॉम्बस में सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल का वैल्यू क्या होता है 180 डिग्री तो एंगल बी और एंगल सी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक एंगल बी प्लस ये जो एंगल सी है दिस एंगल सी इट इज एक्चुअली यहां पर फिगर के अकॉर्डिंग इट इज सम ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी एंगल सी को हम ये लिख सकते हैं एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और एंगल बी का वैल्यू फिफ्टी सिक्स डिग्री क्वेश्चन में गिवन है प्लस एंगल ए सी बी हमने अभी फाइंड आउट किया सिक्सटी टू डिग्री प्लस एंगल ए सी डी दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री तो एंगल ए सी डी हो जाएगा वन एट्टी डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करके आर एच एस में भेज दें तो इट इज वन हंड्रेड एटीन डिग्री तो एंगल ए सी डी का वैल्यू कितना आ गया सिक्सटी टू डिग्री सिक्सटी टू डिग्री एंगल ए सी डी का वैल्यू भी 62 डिग्री है तो यहां से हम ये देख रहे हैं कि पैरलेलोग्राम के जो डायगोनल है ये जो डायगोनल है इस एंगल डायगोनल्स ऑफ ए पैरलेलोग्राम बाइसेक्ट द एंगल्स पैरलेलोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल को बाइसेक्ट करता है एंगल का मतलब इंटीरियर एंगल ए सी जो है इट इज बाइसे एंगल सी एज वेल एज एंगल ए इस एंगल को भी बाइसेकट कर रहा है ठीक है इसको इस तरीके से देखें कि ये डी सी है और ए बी है पैरल डी सी एंड ए बी पैरल और ए सी ट्रांसवर्स है ठीक तो ये एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे डी और ए बी पैरल है फिगर देखें डी एंड ए बी और ये हमारा ए सी हुआ ठीक तो ये दोनों पैरल और ए सी ट्रांसवर्स तो एंगल ए सी डी और एंगल बी ए सी ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इफ दिस इज 62 डिग्री तो ये भी 62 डिग्री का होगा तो ये भी हमारा कितना आया 62 डिग्री का सिमिलरली बीसी एंड एडी पैरल है और ए सी ट्रांसवर्स है तो ये अगर 62 डिग्री का है तो एंगल बी ए सी भी सिक्सटी डिग्री का होगा तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है इक्वल है मतलब ए जो है इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है सिमिलरली हम ये भी दे, प्रूफ कर सकते हैं कि बी इज बाइसेक्टिंग एंगल बी एज वेल एज एंगल डी तो रॉम्बस के डायगोनल्स इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर होते हैं इसको याद रखना है नोट कर लेना है अपने जो भी रॉम्बस का आपने प्रॉपर्टी लिखा है वहां पे नोट कर लीजिएगा कि डायगोनल्स ऑफ ए रोमबस एंगल्स, ठीक लुक एट दिस क्वेश्चन ये ट्रेपेजियम है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरल टू सी डी ये गिवेन है और साथ में गिवन है एडी इज इक्वल टू बी सी एबीसीडी इज एन आइसोसेलियम आइसोसेल ट्रेपेजियम क्या होता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरल साइड इक्वल होते हैं उसे हम आइसोसेल ट्रेपेजियम कहते हैं तो इस ए बी सी डी ट्रेपेजियम में जो नॉन पैरल साइड्स हैं दे आर इक्वल तो ये आइसोसेल ट्रेपेजियम है ठीक है अब आइसोसेल ट्रेपेजियम में ये चीजें हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। सेकंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है ठेके? इसके बाद यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है और फोर्थ ए सी इज इक्वल टू बी डी ए सी और बी डी मतलब इस ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं हमें यह भी प्रूफ करना है ठीक तो ये है तो एक क्वेश्चन लेकिन आइसोसेल ट्रेपेजियम के ये प्रॉपर्टीज को याद भी रखना है अभी हम इसको प्रूफ करेंगे अ क्वेश्चन लेकिन इन प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को के में नोट डाउन कर लेना है ठीक तो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड को प्रूव करें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो हम क्या करेंगे जो ए बी लाइन है जो साइड ए बी है इसको प्रोड्यूस कर लेते हैं लेटे से हमने प्रोड्यूस कर लिया पी तक ठीक ए बी को हमने प्रोड्यूस कर लिया पी तक और सी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे टू ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया ठीक दिस इज पी एंड लेटे से दिस इज ई ठीक हमने ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया और हमने सीई एक लाइन बनाया विच इज पैरल टू साइड डी ए हमारा कंस्ट्रक्शन है अब प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला चीज ये देखें कि अगर ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है तो ये दोनों साइड पैरल है और हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है इसके कारण हमें एक और क्वारिलेटल मिला ए डी सी ए डी सीई तो इस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम दिखाएंगे प्रूफ इन सी डी क्वाड्रिलेटरल ए अब यहां पर अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो वी कैन से कि टू भाई अगर ए बी और डी सी पैरल है तो इसी ए बी को तो हमने आगे प्रोड्यूस किया है तो ये भी पैरल होगा डी सी के तो सिंस ए बी इज पैरल टू डी सी देर फोर इज पैरल टू डी सी ठीक और बाई कंस्ट्रक्शन हमने डी ए को सी के पैरल बनाया है डी ए इज पैरल टू सीई क्वारडिलेट्रल के अपोजिट साइड्स क्वारिलेट्रल ए सी डी के अपोजिट साइड्स पैरल हैं तो वो क्वारिलेट्रल क्या बन जाएगा एक पैरलेलोग्राम किसी भी क्वारिलेट्रल के अगर अपोजिट साइड्स पैरल हैं देन दैट क्वारल इज अ पैरलेलोग्राम तो देयर फोर इज अ पैरलेलोग्राम और पैरलेलोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं पैरलेलोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं तो अगर ए सी डी एक पैरलेलोग्राम है तो देयर फॉर वी कैन से डी ए एंड सी ई आर इक्वल साइड्स तो दिस इंप्लाई दैट डी ए इज इक्वल टू सी अपोजिट साइड ऑफ ए पैरलेलोग्राम ठीक बट क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है कि एडी इज इक्वल टू बी सी बोले डी इज इक्वल टू बी सी बट डी एज इक्वल टू बी सी डी ए सी के इक्वल है एंड डी ए इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी ये गिवेन है ये हमने प्रूफ किया ठीक तो दिस इंप्लाइज दैट सीई इज इक्वल टू बी सी ठीक अब ट्राइंगल बीई सी में आ जाए ट्राइंगल बीई सी के ये दोनों साइड तो हमने इक्वल दिखाया है तो इन ट्राइंगल बीई सी क्वल टू बी सी तो इन दोनों इक्वल साइड के जो इन दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे सी बी तो में सी बी का ऑपोजिट एंगल एंगल सीई बी है और सीई का अपोजिट एंगल एंगल सी बी ई है दिस इंप्लाई दट एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सीई B. ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए ठीक ये दोनों एंगल को हमने इक्वल किया दीज़ टू एंगल्स इक्वल ठीक है अब यहां पर हमने पहले ये प्रूव किया कि ए सी डी इज ए पैरलेलोग्राम तो पैरलेलोग्राम के एडजस्टेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरलेलोग्राम के एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री तो ए सी एंगल और एंगल ई ए सी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दे आर द एडजेंट एंगल्स ऑफ ए पैरिलोग्राम तो एंगल डी ए प्लस एंगल ए सी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री ठीक और यहां पर ए ए -E एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट बी पे जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा से एंगल एबीसी प्लस एंगल डिग्री दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री तो इसका मतलब डी ए प्लस ए सी का 180 डिग्री है एंड ए बी सी और ईबीसी का भी 180 डिग्री है मतलब ये जो दोनों एल एच एस है दे आर इक्वल दिस इंप्लाई DAE डी ए प्लस एंगल ए ई सी दिस इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ई बी सी ठीक अब इस चीज को देखें सी बी ई इज इक्वल टू सी ई बी सी बी ई ठीक तो सी बी ई ये रहा दिस इज सी एंड सी ई बी सी बी इज सी ई ए सी बी ही सीई ए है जिस एंगल का नाम हम सी बी बोल रहे हैं यहाँ पे सी ई बी ये वाला एंगल इसको हम सीई ए भी बोल सकते हैं ठीक तो इसका मतलब ये सी ई ए और ये सी बी ई आपस में दोनों इक्वल हैं, ये हमने ऑलरेडी यहां पे दिखाया है तो यहां से हमें क्या मिला दिस इंप्लाई दैट एंगल डी ए और हुआ, ठीक? E को हम angle A लिख दे, Question में ये जो angle A है, इसी एंगल की बात कर रहा है डी ए e जिसका हम नाम दे रहे हैं तो डी इज नथिंग इट इज एंगल ए एंड एंगल ए बी सी एंगल ए बी सी इज एंगल बी क्योंकि ओरिजिनल फिगर में ये जो हमने ए बी साइड को प्रोड्यूस किया और सी पैरेलल बनाया ये नहीं था तो यहाँ पे एंगल बी ये होगा ओरिजिनल फिगर के अकॉर्डिंग एंगल बी का मतलब एंगल ए बी सी को हम एंगल बी लिख सकते हैं तो दिस इज एंगल बी तो ये हमारा प्रूफ हो गया एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ठीक ये हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया ठीक है पहले सॉरी ट्रेपीजियम में ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं अब सेकंड क्या है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है हमें ये प्रूफ करना है है ठीक इसको भी करते हैं सेकंड वाला प्रूफ करेंगे अब ए बी और डी सी पैरल है फिगर को अलग से बना लें ए बी एंड डीसी ये दोनों पैरल लाइन हैं ठीक एंड दिस ए डी इज द ट्रांसवर्सल ए डी ट्रांसवर्सल ए बी और डीसी पैरल है और ए एडी ट्रांसवर्सल है ठीक तो ये दोनों को इंटीरियर पेयर का सम 180 डिग्री होगा तो सिंस एबी इज पैरल टू डी सी एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज़ इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री को इंटीरियर पेयर ठीक सिमिलरली ए बी इज पैरल टू डी सी और बी सी ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल का सम भी वन एट्टी डिग्री होगा अगेन को इंटीरियर पेयर यह भी को इंटीरियर पेयर है तो सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी दिस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री ओ इंटीरियर फेयर ठीक अब एंगल ए प्लस एंगल डी वन एट्टी डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल सी ये भी वन एट्टी डिग्री है विच मीन्स कि ये दोनों एल एच एस आपस में इक्वल होगा क्योंकि इन दोनों का वैल्यू क्या है वन एट्टी डिग्री है तो देयरफॉर फोर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी लेकिन फर्स्ट वाले में हमने जो फर्स्ट प्रूफ किया इसमें हमने क्या प्रूफ किया कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक? तो यहां से हमें क्या मिला एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी यही दूसरा वाला प्रूफ करना था एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी बोले एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी दोनों सेम चीज है तो ये सेकंड प्रूफ हुआ हमारा कि एंगल डी और एंगल सी इक्वल है ठीक थर्ड वाला करते हैं हम तो इस थर्ड के लिए ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीएडी तो ट्रायंगल एबीसी का मतलब ट्रायंगल एबीसी ये रहा ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी ट्रायंगल बीएडी दिस इज ट्रायंगल बीएडी हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कोंग्रूएंट करना है ठीक तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीए सॉरी बी ए डी ठीक इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड ए बी कॉमन है अगर देखने में दिक्कत हो रहा है तो फिगर को इन दोनों ट्राइंगल्स को फिर से अलग कर लें। या अगर इसी फिगर में देख पा रहे हैं तो ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में साइड ए बी है एंड ट्राइंगल बी ए डी ट्राइंगल बी ए डी में भी साइड ए बी है तो ए बी जो है वो कॉमन साइड हो गया दोनों ट्राइंगल अब ट्रायंगल ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी इसमें एंगल बी है एंगल बी एंड ट्राइंगल बी ए डी ट्राइंगल बी ए डी में एंगल ए है एंगल्स आर ये हमने प्रूफ किया फर्स्ट में कि एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है ठीक और साथ में बी सी बी सी इज इक्वल टू ए डी ये गिवन है क्वेश्चन में ट्राइंगल ए बी सी का साइड बी सी और ट्राइंगल बी ए डी का साइड ए डी दी टू आर इक्वल ये क्वेश्चन में गिवन है ए डी इज इक्वल टू बी सी ठीक तो अब कौन सा कॉन्ग्रुवसी लग रहा है ये देख लें तो बी इस ट्राइंगल में देखें ए बी एंगल बी और बी सी ए बी एंगल बी एंड बी सी ठीक तो साइड एंगल साइड और अगर इस ट्राइंगल में आए तो ए बी एंगल ए एंड ए डी ए बी एंगल ए एंड ए डी तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल बी ए डी में भी साइड एंगल साइड तो बाय्रुवसी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल बी ए डी यही थर्ड प्रूफ करना था ठीक और फोर्थ के लिए हम लोग ट्रायंगल में जो जिसको हमने कॉन्ग्रुएंट किया है इसमें CPCT से ये प्रूफ हो जाएगा तो बाय एसी एसी मतलब फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के हेल्प से हम एसी लाइन सेगमेंट का नाम लिखेंगे तो यहां पर भी फर्स्ट और लास्ट से बी डी मिलेगा ए सी इज इक्वल टू बी डी ठीक तो ये भी प्रूफ हो गया So, अब एक बार आईसोसेलस ट्रेपेजियम में देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है जो नोट डाउन करना है ठीक एक बार इसको देख ले रिवाइज कर लेटर से पी क्यू आर एस हमारा एक आईसोसेल ट्रेपेजियम है जिसमें पी क्यू एंड एस आर जो है वो पैरल है और नॉन पैरल साइड पी एस एंड क्यू आर आर इक्वल तो अगर ये आइसोसेलर स्ट्रेपेजियम है तो इसमें एंगल P और एंगल Q इक्वल होंगे एंगल S एंड एंगल R ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा और साथ ही साथ आइसोसेल स्ट्रेपेजियम के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं पी आर इज इक्वल टू एस क्यू पी आर इज इक्वल टू एस क्यू तो आइसोसेल स्ट्रेपेजियम में ये चीज नोट डाउन कर लेना है इसका एक प्रॉपर्टी ही है अभी जो हमने एज ए क्वेश्चन जो किया वो ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी ठीक ए एफ जी आर टू पैरलेलोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ए एफ जी ये भी एक पैरलेलोग्राम है ठीक इस है इसमें एंगल सी का वैल्यू 62 डिग्री गिवन है एंगल सी का वैल्यू एंगल जी वैल्यू हमें find करना है. तो बड़े वाले ए बी सी डी इसमें एंगल सी और एंगल ए इक्वल होंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलेलोग्राम आर इक्वल ठीक है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल हैं तो एंगल ए का वैल्यू हमें मिल गया 62 डिग्री दिस एंगल इज 62 डिग्री अब ए ई एफ जी पैरेललोग्राम में आ जाए इसमें भी एंगल ए और एंगल एफ क्या होंगे इक्वल होंगे ऑपोजिट एंगल्स तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ए तो एंगल एफ का वैल्यू भी

तो एंगल जी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस सिक्स डिग्री एंगल एफ एंगल जी का वैल्यू वन हंड्रेड एटीन डिग्री ठीक इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था वो ये कि अगर ये सिक्सटी टू डिग्री है तो एंगल सी प्लस एंगल डी पैरलोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का समी डिग्री तो इसका वैल्यू हम निकालते तो 118 डिग्री आता ठीक अब DC एंड GF एफ पैरल लाइन्स डीसी और ये जो GF है दी टू आर पैरल लाइंस ठीक किस तरीके से DC AB के पैरल है और AB पर ही लाइन सेगमेंट AE है तो AE AF के GF के पैरल है ठीक तो DC AE के पैरल एफ के पैरल तो विच मींस कि जी एफ और DC आपस में पैरल है ठीक अब ये जो DG है इसको हम इस तरीके से मिला दें, ठीक? DGA, तो ये एंगल हमने 180 डिग्री फाइंड आउट किया तो ये अगर ये 180 डिग्री है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल जी दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 118 डिग्री ये दोनों पैरल लाइन डी ए ट्रांसवर्सल तो 118 डिग्री तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी 118 डिग्री आएगा तो यहां से हम इसको पहले खोज लेते वन हंड्रेड डिग्री और फिर यहां पे का एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो उससे ये 62 डिग्री आ जाता तो इस तरीके से भी इसको बनाया जा सकता था ठीक चलिए तो क्वार में आज भी हमने कुछ क्वेश्चन किए